हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डोनेट्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे सभी कोई पसंद करते हैं। बच्चे बड़े सबको ही डोनेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ये ट्रेंडिंग में भी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, उसके बाद 1 1/4 कप पिसी हुई चीनी लेंगे, फिर उसके बाद 3 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 1/2 कप मिल्क। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसे एक डो की तरह मैश करेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस लेंगे, आप इसके जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ लेमन जूस का यूज़ किया है। अब यहाँ 1 चुटकी नमक डाला है मैंने। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। डो बन जाने के बाद यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, आप इसके जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अब इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए ढक करके। 1 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपने डो को निकाल लेंगे। एक चकले पे थोड़ा सा मैदा छिड़क करके इसके ऊपर डो रखेंगे, उसको फिर से एक बार मैश कर लेंगे। अब इससे इसका हाफ निकाल करके इसके हाफ को रोल करके इसको रोटी की तरह बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद यहाँ मैंने डोनट कटर नहीं यूज़ किया है, एक ग्लास की मदद से इसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डोनट कटर नहीं था तो मैंने यहाँ 1 ग्लास का यूज़ किया है। अब इसके बीच को कट करने के लिए मैंने यहाँ 1 ढक्कन का यूज़ किया है, ये एक सॉस का ढक्कन का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे इसका कट लगा दिया है। हमारे यहाँ डोनट्स कट होके रेडी हो गए हैं, अब इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कढ़ाई ली है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल डाला है और उसको मीडियम आंच में गरम कर लिया था। अब धीमी आंच करके फ्लेम को लो करके अपने डोनट्स को डाल देंगे और धीमी ही आंच में पकाएंगे इसे। ये हमारे डोनट्स फूल चुके हैं थोड़े थोड़े से, अब हम इसे टर्न कर लेंगे। हमारे डोनट्स एक तरफ से पक चुके हैं, एक साइड से अच्छे तरीके से बन चुके हैं, अब दूसरे साइड से पकाएंगे। यहाँ हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने 2 बाउल लिया है, 1 बाउल में डार्क चॉकलेट कंपाउंड और 1 में व्हाइट चॉकलेट, दोनों को मेल्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ डबल बॉयलर मेथड से दोनों चॉकलेट को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब हमारे डोनट्स ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम अपने चॉकलेट में डिप करेंगे, इसके एक साइड ही डिप करेंगे। ये देखिए हमारे चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से डोनट्स में लग गए हैं। अब इस पे हम थोड़े से स्प्रिंकल्स स्प्रेड कर देंगे, मैंने यहाँ सिल्वर स्प्रिंकल्स यूज़ किया है। चॉकलेट हमारी थोड़ी सी मेल्ट है इसीलिए अभी इस पे स्प्रिंकल्स डाल देंगे तो ये स्टिक हो जाएंगे।
अब यहाँ वैसे ही वाइट चॉकलेट में भी करेंगे, इसको भी वाइट चॉकलेट में अच्छे से डिप कर लेंगे डोनट को। और इसके बाद इसको गार्निश कर देंगे स्प्रिंकल से और चॉकलेट से। इसे आप किसी भी स्प्रिंकल से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जहां बेकरी के आइटम्स मिलती हैं वहीं आपको स्प्रिंकल्स भी आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको स्प्रिंकल्स ना मिले तो एक वाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट डाल के डार्क चॉकलेट में डिप किया हुआ डोनट को उसको इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है। इससे हमारे यहाँ डोनट्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे इसको सेट होने के लिए। ये देखिए हमारे डोनट्स तरह तरह के बन के रेडी हो गए हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।